हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, डेरेक बॉलकॉट बायोग्राफी एंड पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, डेरेक वॉलकॉट इज अ नेटिव ऑफ वॉट आइसलैंड नेशन इन द कैरेबियन। ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। यू हैव इनफ टाइम टू रीड दीज ऑप्शंस एंड टाइमर इज अबाउट टू स्टार्ट एंड यू हैव 5 सेकेंड टू गेस द आंसर। सो वॉट वुड बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वैन डिड डेरेक वॉलकॉट विन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर? जो डेरेक वॉलकॉट थे, उन्होंने लिटरेचर के लिए जो नोबल प्राइज वो कब जीता था? तो 1991 में जीता था, 1992 में, या 1993 में, 1994 में। तो आप लोगों ने आंसर तो टिक कर ही दिया होता, 1992 में उन्हें कहीं ना कहीं नोबल पुरस्कार लिटरेचर के लिए मिला था। ये तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज डेरेक वॉलकॉट बॉर्न? जो डेरेक वॉलकॉट थे, उनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, है ना। 1930 में उनका जन्म हुआ था और 1962 में उन्हें क्या नोबल मिला था। ठीक है, वेन वाज द पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पब्लिश्ड? जो जॉन डेरेक के द्वारा लिखी हुई पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका है, ये पब्लिश कब हुई थी? ठीक है, तो ये 1962 में हुई, 1961 में हुई, 1951 में हुई, या 1952 में हुई? तो गेस करिए आप लोग, राइट आंसर क्या है? 1962। तो हम ऐसे भी लिंक कर सकते हैं कि 1962 में ही ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पब्लिश हुई और 1962 में ही इन्हें इंग्लिश के लिए लिटरेचर मिला। ठीक है, बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डिड माऊ माऊ अपराइज अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिस्ट इन केन्या? जो हाँ, तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग 2000, ड्यूरिंग द 1920, ड्यूरिंग द 1970, ड्यूरिंग द 1950। सो वॉट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस एंड राइट आंसर गोइंग टू ऑप्शन नंबर डी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हुज एडमोनिशमेंट इज वेस्ट नो कंपेरिजन ऑन दीज सेपरेट डेट? सो दीज आर ऑप्शंस, द ईगल्स, द रैट्स, द कॉलोनाइजर्स, या द वॉर्म्स। सो वॉट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस। राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 7। वॉट इज द इमेज यूज बाई वॉलकॉट टू डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ डिकेइंग ह्यूमन फ्लैश? दीज आर ऑप्शन, एन ईगल, अ वॉर्म, अ रैट, अ कॉलोनाइजर। आपके पास पर्याप्त समय है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और ऑप्शंस को समझने के लिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, व्हाई डज वॉलकॉट डिस्क्राइब अ लैंडस्केप लिटर्ड विद कॉर्पसेस? दीज आर ऑप्शंस, ही हेट्स ब्लैक, डेथ इज एवरीवेयर, ही लव्स हिज कंट्री। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग एक बार सोच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 9। द वर्ड किकियू सर्व्स एज द नेम ऑफ डेडेडस इन केन्या? तो ये ऑप्शन है, ए नेटिव ट्राइब, अ नेटिव प्लांट, एन एनिमल, अ वर्ड। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस एंड यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर। नेटिव ट्राइब। सो नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 10। अफ्रीका इज कंपेयर्ड टू डॉट डॉट विद 20 फेल्ट बाय डेरेक वॉलकॉट?
These are options: an animal, a word, a river, a land. So guys, if you get some help from my videos, then you can like, share and subscribe our channel, okay? And don't forget to hit the bell icon. So option number A is right. Now take question number 11. What is meant by kikiu in the poem? जो किक्यू वर्ड यूज किया गया है पोएम में, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ट्राइब है, वेस्ट इंडीज है, एनिमल है और एक बर्ड है. तो बताइए इसका मतलब क्या है. आपके पास पर्याप्त समय है आंसर को सोचने के लिए. ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किक्यू मीन्स अ ट्राइब. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम? पोएम में कितने स्टेंजाज हैं? 3, 4, 2, 6. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस. टाइमर इज अबाउट टू एंड. सो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 3 स्टेंजाज. विच एनिमल इज कंपेयर टू द नेशन? कौन से जानवर को राष्ट्र से तुलना की गई है? जेब्रा की, कंगारू की, लॉयन की या टाइगर की? सो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन को भी पढ़ पा रहे होंगे अच्छे से और ऑप्शंस को भी. सो बताइए कौन सा आंसर सही है. ऑप्शन नंबर सी सही होता है, लॉयन. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफार क्राई? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, पैराडाइज है, एंड ए एंड सी बोथ है. You can guess. So, right answer option number D, A and C. Now take question number 15. Walcott's use of savage function to present point of view. A British colonialist, racist, a blacks, the Mau Maus, the Kikuyus. So what? So right answer is going to be option number A. So now take question number 16, and question number 16 is about to what are the ibis? Ibis क्या हैं? High flying eagles हैं, long billed wading birds हैं, या strong legged hyenas हैं, या long legged animals हैं? तो आप लोग आंसर को गेस कर सकते हैं. ठीक है, बाकी जो ऑप्शन राइट है वो कौन सा है? बी ऑप्शन राइट है. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 17. रूल्ड दिस लैंड लॉन्ग बिफोर अफ्रीकन ऑन और यूरोपियन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड. दीज आर ऑप्शंस: द आइवीज एंड अदर ईस्ट्स, द नेटिव्स, द होमोसेपियंस, द होमो इरेक्टस. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस. I hope right answer is going to be option number A. So question number 18. What does the idiom afar cry mean? जो idiom afar cry है, इसका मतलब क्या है? तो ये option है: an impossible thing to cry for others, no need to cry for far from over. So what will be the right answer? You can guess. So right answer is option number A. Now take question number 19. Which is the paradox at the center of Walcott's consternation? So these are options: his love for books, his love for Africa, his hybrid inheritance, his view on violence. So what will be the right answer? You can guess. So right answer is going to be option number See his hybrid inheritance. Now take question number 20. Walcott's divided loyalty, gender sense of guilt as he wants to detest the civilized culture of the British. These are options: adopt, B option adapt, C option abject, and D option object. So what will be the right answer?
राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. यस, नॉट ऑप्शन नंबर सी. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इट इज एडॉप्ट. ओके, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट आर द इनाइसेस? सो दीज आर ऑप्शंस: वॉर्म्स, फ्लाइज, लॉन्ग बिल्ड, अफ्रीकन टाइगर्स. सो वॉट विल बी द राइट आंसर? एंड टाइमर इज स्टार्ट, एंड यू हैव 5 सेकेंड टू गेस द आंसर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीकन टाइगर्स. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 22. वॉलकॉट सेट अस द इमेज ऑफ अ पैराडाइज दैट मैनी एसोसिएट विद अफ्रीका वाई डिस्क्राइबिंग अ लैंडस्केप लिटर्ड विद. दीज आर ऑप्शंस: अ वर्म्स, फ्लाइज, रैट्स, कार्पसस. सो वॉट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस. एंड राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर डी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 23. के क्यू आर कंपेयर्ड टू, जो के क्यू ट्राइब थी उसकी तुलना किससे की जाती है? रेड से, लॉयन से, फ्लाइज से, या वॉर्म से? आप लोग बता सकते हैं किससे की जाएगी इसकी तुलना. अगर आपने पोएम को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा. तो आंसर क्या है? फ्लाइज. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 24. अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज अबाउट. अ फार क्राई अफ्रीका जो पोएम है वो किसके बारे में है? तो ये ऑप्शन है: ब्रिटिश कॉलोनियल टेक ओवर इन कोलंबिया, ब्रिटिश कॉलोनियल टेक ओवर इन जिम्बाब्वे, ब्रिटिश कॉलोनियल टेक ओवर इन केन्या, ब्रिटिश कॉलोनियल टेक ओवर इन कोलंबिया. इट इज ऑलमोस्ट अबाउट कॉलोनियल, ब्रिटिश कॉलोनियल, बट डिफरेंट कंट्री. सो कंट्री इज केन्या. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 25. वेयर डिड वॉलकॉट टीच? वॉलकॉट कहाँ पढ़ाते थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, बोस्टन यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में? सो आप लोग गेस कर सकते हैं आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा. एंड टाइमर खत्म होने वाला है, टाइम आपका स्पेंड हो चुका है. सो सी ऑप्शन इज राइट. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 26. पोएट्स डिलेमा इज दैट ही लव्स द इंग्लिश टंग बट अपोज द ब्रूटल स्लॉटर ऑफ. सो दीज आर ऑप्शंस: द अमेरिकन, द ज्यूज, द अफ्रीकन्स, एंड द मुस्लिम. सो वॉट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस. एंड यू हैव 5 सेकेंड टू गेस द आंसर. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, द ज्यूज. सो नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका? पोएम की प्रथम लाइन कौन सी है उनको आप लोगों को पहचानना है. तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है: अ विंड इज रफलिंग द ट्वेनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका. बी ऑप्शन में है: किकियू क्विक एच फ्लाइज. सी ऑप्शन में है: कार्पसेस आर द स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 28. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स? वर्ड्स क्या है? ईस्ट टीमिंग. तो ईस्ट टीमिंग में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आप लोग गेस कर सकते हैं. मेटाफर होगा, एलिट्रेशन होगा, रिपीटेशन होगा, या एसोनेंस होगा? सो राइट आंसर है एसोनेंस. अगर एसोनेंस की आप लोगों को डेफिनेशन आती है तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 29. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स? वाइट, आई वीज, क्राइज. दीज आर ऑप्शंस. दीज आर ऑप्शंस: एसोनेंस, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एंड मेटाफर. सो वॉट विल बी द राइट आंसर? इफ यू रिकॉग्नाइज साउंड ऑफ थ्री ऑफ दीज थ्री वर्ड्स देन यू टेक द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 30. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन द फॉलोइंग वर्ड्स? वार्म, कॉलोनल. ओके, सो दीज आर ऑप्शंस: एसोनेंस,
एलिट्रेशन, रिपीटेशन, मेटाफर. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? एंड राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर यस ए, एसोनेंस. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 31. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स स्कॉलर्स सीज? दीज आर ऑप्शंस: एसोनेंस, एलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड मेटाफर. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस. यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एलिट्रेशन. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 32. विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स कर्नल ऑफ कैरियन क्राइज? दीज आर ऑप्शंस: मेटाफर, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, एश्योरेंस. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू हैव इनफ टाइम टू रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस एज वेल. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलिट्रेशन. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 33. विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स विट्रे देम बोथ? विट्रे देम बोथ. सो दीज आर ऑप्शंस: एसोनेंस, एलिट्रेशन, रेप्यूटेशन एंड मेटाफर. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर यस बी, एलिट्रेशन. एंड यू ऑब्जर्व वन थिंग गाइज, यू नो एलिट्रेशन एंड एसोनेंस ओनली द यू कैन बोथ लाइक फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस पोएम. व्हाट डज द पोएट कॉल अ मिस्टेक इन रिवॉल्विंग डेज? ही फेल इन लव, ही विजिटेड केन्या, ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ही स्टडीड इंग्लिश. सो वॉट विल बी द राइट आंसर? यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर. एंड टाइमर इज अबाउट टू एंड. यू हैव 2 seconds ओनली. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ही फेल इन लव. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 35. वॉट इज द मूड ऑफ अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका? इस पोएम का मूड क्या था? प्लीजेंट मूड है, कन्फ्यूजन, एंगर एंड लेमेंट, बिवेलिंग, लेमेंटिंग. सो बताइए वॉट विल बी द राइट आंसर? यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर. एंड आई होप यू ओके. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 36. वाई डज डायरेक्ट बट रेफर टू स्पेन इन हिज पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका? दीज आर ऑप्शंस एंड ईच एंड एवरी ऑप्शंस इज वेरी लॉन्ग आई थिंक, बट डी ऑप्शन इज शॉर्ट. सो डोंट वरी. एंड यू हैव 5 seconds टू गेस द आंसर. राइट आंसर. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 37. विच कंट्री वॉलकॉट रेफर्स टू इन हिज पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका? दीज आर ऑप्शंस: इंडिया, स्पेन, केन्या एंड नाइजीरिया. विच कंट्री वॉलकॉट रेफर्स टू इन हिज पोएम? ठीक है. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस. यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर. सो राइट आंसर इज स्पेन. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 38. आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ, वेयर सेल आई टर्न डिवाइडेड टू द वेन? दिस सैड एंडिंग इलस्ट्रेट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज आर ऑप्शंस: डिस्प्लेसमेंट, आइसोलेशन, बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दैम. एंड टाइमर इज अबाउट टू स्टार्ट एंड यू हैव 5 seconds टू गेस द आंसर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड आइसोलेशन. नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 39. व्हाई डज डायरेक्ट वॉलकॉट से ही इज पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ? दीज आर ऑप्शंस. You can read easily and you have enough time to read all options and question as well. So right answer is going to be option number A. Now take question number 40.
वॉलकॉट कंपेयर्स मैन टू नेचर इन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाई यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। जो पोएम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, तो उसमें वॉलकॉट ने जो मैन की तुलना नेचर से की है वो किस फ्रेज को यूज करके की है? रेसियल पॉलिटिक्स को यूज करके, ब्रूटिस नेसेसिटी को, कैपिटलिज्म टेंशंस को लेके, एंड कल्चरल नेसेसिटीज। बताइए आप लोग। तो राइट आंसर है बी, ब्रूटिस नेसेसिटी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इन फॉर्म एंड टर्म? भाई जो अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पोएम है जो 1962 में आई थी, और 1962 में ही उनको कहीं ना कहीं नोबल प्राइज मिला था, तो ये किस टोन और किस फॉर्म में है वो आप लोगों को बताना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 43। द पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका डील्स विद अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड केन्या, अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड युगांडा, अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया, एंड डी ऑप्शन इज अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड नाइजीरिया। सो वॉट विल बी द राइट आंसर? यू कैन गेस एंड यू हैव इनफ टाइम टू गेस द आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 44। द पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका फोकस ऑन, ये किस पे केंद्रित है? रेशियल एंड पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स एंड साउल पर, कैपिटलिज्म पर, एंड रेशियल एंड कल्चरल टेंशंस पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा को पूरी ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, रेशियल एंड कल्चरल टेंशंस। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका? सो थीम इज स्प्लिट ऑफ आइडेंटिटी एंड सावल, स्प्लिट ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर, एंड स्प्लिट ऑफ आइडेंटिटी एंड एनेक्सिटी, स्प्लिट ऑफ रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स। सो वट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट ऑफ आइडेंटिटी एंड सावल। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 46। डायरेक वॉलकॉट डाइड ऑन, कब इनकी मृत्यु हो गई थी? फरवरी 2014, मार्च 2016, मार्च 2017, मार्च 2019, एंड आई होप मे बी सी ऑप्शन इज राइट। यस, सो नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 47, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डेरेक वॉलकॉट? या सो दीज आर ऑप्शंस। वही बात हुई, सारे क्वेश्चन कर लिए और डेरेक वॉलकॉट का पूरा नाम ही नहीं पता है। तो इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? डेरेक एल्टन वॉलकॉट, वॉलकॉट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यस, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू गेट सम हेल्प फ्रॉम माई वीडियो, देन यू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टू स्टे कनेक्टेड विथ me and our channel, please subscribe our channel and don't forget to press and hit the bell icon, जिससे कि आप लोगों को भविष्य में सारी notification time से मिल जाएँ।